वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ रेसिपी लाई हूँ केक की। एक्चुअली बच्चों ने ग्रॉसरी के सामान में केक ऑर्डर किया है, तो सर फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसे कैसे बनाना है। ये केक का पाउच आया था, इसे मैंने कट करके इस मग में डाल लिया है, क्योंकि मैश करने के लिए इसमें ईजिली रहेगा। दूध मैंने बॉइल करा है, दिखाती हूँ आपको। दूध मेरा हल्का हल्का गरम बॉईल किया हुआ होता है पहले से ही, बस मैंने इसको कोसा कोसा गरम कर लिया। अब इस दूध को मैं बैटर में ऐड करती हूँ, तो साथ साथ मैं दूध भी ऐड करती जाती हूँ बैटर में। आप जब दूध डालें तो साथ साथ बैटर को मैश करते जाइए, ताकि उसमें लंग्स मतलब जो गीठी होती है वो इकट्ठी ना हो। और दूध भी ऐसे ही नहीं कि ज़्यादा डालना है, इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से ऐसे बबल्स आ रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं इसमें अभी हल्के हल्के बबल्स आपको शायद नज़र आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी इस पेस्ट में मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी। दूध आप एक साथ मत डालिए, हल्का हल्का डालिए। आप अपने बैटर को देखते हुए, मेरा बैटर देखिए अभी एकदम टिक है, पर इसमें थोड़ा सा बबल्स है, तो मैं हल्का सा दूध और डालूँगी। तो मैश करते अच्छे से। अब बना देखिए इसका स्मूथ पेस्ट, एकदम आपको दिख रहा होगा। तो ये पेस्ट बिल्कुल ठीक है मुझे लगता है। थोड़ा सा दूध और ऐड कर देती हूँ उसमें मैं, अपने हिसाब से धीरे धीरे करके ऐड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए हमको बैटर, और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। अब मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छे से। जब इजीली आपका बैटर ऐसे स्पून से गिरने लगे, तो आपका बैटर बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया है। इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं होने चाहिए, मेरे इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं है। बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इजीली गिर रहा है। साथ ही साथ मैंने ये कुकर केक है, मैंने कुकर में गरम करने रख दिया है। इसमें आप इसको ऐसे ही ढक्कन लगा के करना है, ये गरम हो रहा है अभी। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले भी केक बनाया, तो मेरे पास पहले ही ये केक टीन है, लेकिन क्या है कि ये केक टीन मेरा जो कुकर है इसके अंदर फिट नहीं होगा। आप देख सकते हैं टीन बड़ा है और कुकर का जो अंदर का पोर्शन है वो छोटा है, तो इसलिए मुझे कुछ और बर्तन अब लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ये फिट नहीं होगा। तो मुझे ये वाला बॉक्स मिला है, ये लंच बॉक्स है, मैं इसी में केक ट्राई करूँगी। अब मैं इसमें बटर या घी से इसको ग्रीसिंग कर लूँगी पूरा, ताकि हमारा केक ना चिपके। तनी पेपर भी ले आई हो, ये बच्चों से ये पेपर मंगा लिया है, इस पेपर को मैं इसमें डालूँगी। वैसे बटर पेपर आता है वो यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास इस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पेपर को ग्रीसिंग करूँगी। मैंने लिया है बटर, बटर से मैं ये पूरा टीन है इसमें ये अच्छे से ऐसे मैश करके लगा दूँगी, और फिर इसमें पेपर रखूँगी। मैंने ये बटर मेल्ट कर लिया है मेरे स्टिफिन में, और इसे अच्छे से लगा लूँगी, ताकि जो हमारा केक का बैटर है वो फिर चिपकेगा नहीं। मेरे पास ब्रश नहीं है, मैं हाथ की हेल्प से कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, पर इसके नीचे आपको ना सपोर्ट रखना पड़ेगा कुकर में, जैसे कोई कटोरी या कुछ भी है, उससे क्या होगा, उससे आपका केक डायरेक्ट कुकर पे नहीं जाएगा और जलेगा नहीं। मैंने जो बचा हुआ है वो मैंने इसके पेपर पे लगा लिया, और इस पेपर को मैं इसके अंदर ऐसे फिट कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डालूँगी अपने केक का बैटर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी। अगर आपको केक का नाम जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली बता दूँगी। ये जो केक का जो बैटर है ना बेटा, हम घर में भी बना सकते हैं, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर में ही आप ये बैटर तैयार कर सकते हैं। मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है,
इसको हमें ज़्यादा नहीं भरना क्योंकि ये फूलता भी है। मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं केक पूरा आ चुका है। इसे आप मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि हो चुका है रेडी। अब इसको मैं डालूँगी कुकर में, आपको दिखाती हूँ कैसे। पर मेरा गर्म हो चुका है। कुकर के साथ ना ऐसी जाली भी मिलती है, तो मेरे कुकर में ऐसी जाली है, मैं इसको नीचे लगा दूँगी। ये काम आपको केयरफुली करना है क्योंकि गर्म रहता है ये। अगर आपके पास ऐसी जाली ना हो ना, तो आप जैसे कोई भी कटोरी या डोंगा जो आपके कुकर में फिट बैठे, आप उसको इसमें रख सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से हमें ऐड करना है अपना केक का टीन। आप देख सकते हैं कि मैंने रख दिया है अपने केक को। अब मैं इसमें ढक्कन की सीटी निकाल के अब मैं इसे ढक्कन को ऐसे लगा दूँगी। ढक्कन बंद करना है हमें। आप देख सकते हैं मैंने कुकर में रख लिया है, मैंने रख दिया बंद करके। बिगल व्हीसल के रखना है क्योंकि इसमें कई सीटी, जैसे जैसे गैस बने तो सीटी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ़ हमें कुकर में बनाना है, तो इस वजह से हमें इसकी लीड निकाल के रखनी है। और आप अपनी गैस को मीडियम पे, तेज नहीं रखनी है, मीडियम आँच पर रखना है। अब ये केक हमें कम से कम 25 मिनट के लिए रखना है, 25-30 मिनट के लिए रखना है। मैं इसको रखूँगी 20 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी। तो ठीक है, अब हम इसे 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन लगा दिया है इसका, अब खोलेंगे हम 10 मिनट्स बाद। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं कुकर को खोल के देखती हूँ। आप देख सकते हैं केक ऐसे हो गया। ये टूथपिक की हेल्प से मैं चेक करती हूँ बीच में, अभी गीला है, अभी नहीं हुआ, तो मैं इसको भी दोबारा बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं स्टिक पे है, ये सारा बैटर आ गया है क्योंकि 20 मिनट ही हुए हैं। मैं दोबारा इसको लीड लगा ढक्कन लगा देती हूँ। मैं किया था तो आप देख सकते हैं केक गीला था, तो अब दोबारा चेक करते हैं खोल के। 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कुकर खोलती हूँ। आप देख सकते हैं ये अब हो गया केक। एक बार मैं टूथपिक से चेक कर लेती हूँ, केक हो गया है बिल्कुल रेडी। देख सकते हैं आप, ये कुकर में ही है। अब आप गैस बंद करके इसे कुकर में ही ठंडा होने देंगे, ऐसे ही, मतलब ढक्कन लगाना नहीं है, ऐसे रखे। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कुकर हो चुका हमारा रूम टेम्परेचर पे गर्म। अब मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है, आप देख सकते हैं केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया। मैं इसको बाहर निकालूंगी। मैंने इसको इसी में ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये गर्म है। मैं किसी चीज़ की हेल्प से इसे उठाती हूँ। मैंने इसको उल्टा करा, वो नहीं निकल रहा है क्योंकि केक ज़्यादा फैला हुआ है और पैन है छोटा, तो ऐसे नाइफ की हेल्प से आप उसके साथ लगा दीजिए। मैंने उसको उल्टा करा, वो नहीं निकल रहा है क्योंकि केक ज़्यादा फैला हुआ है और पैन है छोटा, तो ऐसे नाइफ की हेल्प से आप इसे कट लगा लीजिए। अब आगे आप देख सकते हैं, बटर की हेल्प से ना बिल्कुल स्मूथ से निकल गया केक हमारा। जो मैंने पेपर लगाया था इसको मैं आराम से रिमूव कर लेती हूँ। देख सकते हैं केक कितना स्पंजी बना है, ये देखिए, है ना। देखिए एकदम, मैंने इसको कट थोड़ा सा लगाया, एकदम जालीदार केक बना है। केक अच्छा बना है, मैंने टेस्ट नहीं किया। अब मैं इसको करूँगी डेकोरेट, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बटर लिया है, थोड़ा सा इसमें बटर भी डाल रही चॉकलेट में ताकि ये स्मूथली लग जाए। अब मैं इसको फिर हिलाती हूँ अच्छे से क्योंकि बटर मिल्क इसमें एकदम मेल्ट हो जाएगा ना, तो चॉकलेट एकदम स्मूथ पेस्ट हो जाएगा इसका। चॉकलेट ना हमें सीधी गैस पे गर्म नहीं करनी, अवन हो तो आप अवन में कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने गर्म पानी में ऐसे डिप करके कर ली हूँ। चॉकलेट सिरप भी है लेकिन मैं इसे नहीं डाल रही क्योंकि ये उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैंने ये जो बाउल में पानी के साथ कैडबरी की जो चॉकलेट्स डाली थी, आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुकी है। देखो होगी ना,
एकदम। अब इसी को मैं इसमें थोड़ा सा बटर मैश कर लूँ ताकि ये स्मूथली लग जाए। मेल्ट हो चुकी है, मैं इसके ऊपर ऐसे इसको स्पून की हेल्प से लगा दूँगी। आप कोई सी भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, वाइट वाली भी कर सकते हो। मैं डेयरी मिल्क अच्छी लगती है तो इसलिए मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ। हमारा केक हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं हमने केक कटिंग भी कर ली है, उसकी वीडियो भी हम इसमें ऐड करेंगे। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। फ्रेंड्स केक हो चुका है कटिंग, आप देख सकते हैं। सानवी टेस्ट करके बताएगी केक कैसा बनाए। और स्प्रिंकल का टेस्ट कैसा आ रहा है? आप देख सकते हैं ये हमारा केक। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। एंड बाय बाय।